हरियाणा में भले ही चुनाव की तिथियां ना आई हों, लेकिन चुनावी हलचल बिल्कुल शुरू हुई। एक उधर जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, वहीं पर स्वराज इंडिया पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। जाहिर तौर पर चुनाव का जब वक्त मिलता है तो बहुत कम समय होता है कि प्रचार प्रसार हो पाए, इसीलिए स्वराज इंडिया पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतार कर उनको प्रचार करने का, लोगों से मिलने का मौका दे दिया है। इस बार द्वितीय जो लिस्ट जारी हुई है उसी संबंध में बात करेंगे। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। यादव जी, सबसे पहले देखा मैंने आपने पहल की, पहली लिस्ट आउट कर दी, अब सेकंड लिस्ट आउट कर दी, तो क्या सिनेरियो देखा पूरे चुनाव में? देखो जी, हमारे पास जितना पैसा फूंकती हैं बड़ी बड़ी पार्टियां वैसा तो है नहीं। हम कैंडिडेट को धन नहीं दे सकते, साधन नहीं दे सकते, टाइम तो दे सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हमारी लिस्ट आए, हमारे क्योंकि हमारा एजेंडा स्पष्ट है। बाकी सब वेट कर रहे हैं आखिर तक इसकी टिकट मिल जाए, उसकी टिकट मिल जाए। जो स्वराज इंडिया के लोग हैं वो अपना मस्त हैं कि हमें अपना काम करना है, हमें लोगों तक पहुँचना है, इसलिए हम जन सरोकार अभियान 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं। मैंने देखा कि आपकी लिस्ट में ज़्यादातर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने कोई आंदोलन चलाया हो, जैसे कि एक आईपीएस अफसर के खिलाफ एक मोर्चा खोला, एक लड़की ने, आपने उनको भी टिकट दिया, तो ओवरऑल जो आपके इस बार के जो टिकटार्थी हैं जिनको आपने टिकट दिया है दरअसल, वो किन किन श्रेणियों से आते हैं? हमने पहले दिन से कहा था कि हम ऐसे उम्मीदवार लाएंगे जो हरियाणा की राजनीति में जिस तरह के लोग चाहते हैं लेकिन जो कभी आते नहीं हैं, जो ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं। जो आपने जिक्र किया, पंचकुला में मधु आनंद जी, उन्होंने और उनके पति ने मिलके डीजीपी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, उसके खिलाफ 19 साल तक संघर्ष किया, सजा दिलवाई, तब जाके चैन की सांस ली। तेजपाल करके हमारे युवा साथी हैं नारनौल के नज़दीक नांगल चौधरी से, उन्होंने ये जो पूरा माफिया है ये चला के एक स्टोन क्रशर वाला, उसके खिलाफ संघर्ष किया, अपनी जान की परवाह ना की, अपने पैसे की परवाह ना की, नौकरी की परवाह नहीं की, और अंत में 72 स्टोन क्रशर को उन्होंने बंद करवाया। संघर्ष करने वाले लोग हैं जो कि एंटी करप्शन मूवमेंट के अंदर शामिल रहे हैं। तो स्वराज इंडिया का तो काम ही ये है, हमें तो ज़मीन पे संघर्ष करने वाले लोगों को राजनीति में लाना है। पहले लिस्ट में भी किया, दूसरी लिस्ट में भी किया, आगे भी करेंगे, क्योंकि यही हमारी राजनीति है। मेरा एक लास्ट सवाल, आपने भी कोई लक्ष्य तय किया है कि जैसे बीजेपी कह रही है 75+, कांग्रेस कह रही है कि सारी सीटें उनकी हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करें, आपने भी कोई लक्ष्य तय किया कि इतनी सीटें लेंगे? पहला लक्ष्य तो यह है कि झूठ नहीं बोलेंगे। ये जो सारी राजनीति है झूठ बोलने की, पहले दिन से दावा करने की, बाद में मुंह कैसे दिखाएंगे? लक्ष्य ये है कि चुनाव के बाद भी लोगों की आंख में आंख डाल के बात कर सकें। लक्ष्य ये है कि एक बीज लगा सकें नई तरह की राजनीति का। अब उस बीज का पौधा अगले 2 महीने में कहां तक पहुंचेगा, ये चुनाव के बाद पता लगेगा। पहले मैं चुनाव का जनता को चुनाव का भविष्य बताने का काम किया करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूँ, ये ज़्यादा सुंदर काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दरअसल आपने सुना, योगेंद्र यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि उनकी पार्टी में इस बार उनको टिकट दी गई है जिन्होंने जन आंदोलन में पार्टिसिपेट किया या नई प्रकार की मूवमेंट दी। आपको याद होगा कि फिल्मों में हमेशा से दिखाया जाता रहा है कि जो लोग नई पार्टी बनाते हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन से जुड़े होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कुछ प्रस्तावित फिल्में ऐसी रही हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षण करें, लेकिन फिल्मों से हकीकत की ज़िंदगी में आखिर स्वराज इंडिया कितना सफ़र तय कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 75+ की सीटें वो लेकर के जाएगी, लेकिन स्वराज इंडिया कितना तय कर पाएगी? उन्होंने अपने प्रत्याशियों को समय भी दिया है, ये तो वक्त ही तय करेगा, जनता तय करेगी कि वोट में क्या फायदा मिलता है। कैमरामैन सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV चंडीगढ़।